नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेके आ रहे हैं बाविका डेयरी फार्म मिंगणी खेड़ा से। और आज के वीडियो में आप देखेंगे दूध वाली भैंसे, गाय, कटड़ियाँ, बहुत सारा पशुधन जो है बाविका डेयरी फार्म पर खड़ा है। तो आप वीडियो में जुड़े रहें। उस एरिया से वीडियो आप लेके आ रहे हैं जहाँ मैं कहूँगा रोहतक और जींद की जो बड़ी मार्केट है हरियाणा में, जहाँ से पशुधन बिक के ऑल ओवर इंडिया में चढ़ता रहता है, सप्लाई होता रहता है, उस मार्केट के बराबर जो है एक गांव से पशुधन बिक के जाता है। और उसमें अहम योगदान मैं कहूँगा बाविका डेयरी फार्म का भी है। और इनके फार्म पे आज आप देखेंगे कुछ कटड़ियाँ भी हैं, कुछ भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, बहुत सारा पशुधन है। और बाबूजी अपने साथ है, मैं इनसे मिलवाऊँगा। जो भी भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक कर लें। बात करते हैं बाबूजी से। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सुरेंद्र, सभी मेरी वीडियो देखने वालों को नमस्कार। कैसे हो जी भाई? एकदम बढ़िया है सुरेंद्र भाई। तो बाबूजी ये बताओ कितनी गाय हैं, कितनी भैंस है? दो गाय हैं शायद। गाय दो है, बाकी भैंस और एक कटड़ा है बोल। अच्छा, तो बिके हुए हैं या सब बिक्री वाले हैं? इनमें कुछ बिके हुए हैं, कुछ बिक्री के लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बिके हुए भी दिखाएंगे आप, बिक्री वाले दिखाएंगे जो ऑनलाइन हुए हैं। ऑनलाइन ही बिके? कहाँ जाएंगे बिके? धर्मपुर गुजरात में जाएंगे सुरेंद्र। अच्छा, गुजरात में, ठीक है। कितनी भैंस जाएंगी? पांच भैंस जाएंगी। ठीक है, बस पहले भी कई लोड जा चुके हैं, पांच अभी जाएंगी। ठीक है ठीक है, अपने पुराने ग्राहक है। ठीक है, गाय से शुरू करें फिर? गाय से शुरू करेंगे जी। देसी नस्ल की गाय भीम भाई खोल के बताओ। ये बाबूजी कितने दिन की ब्याई है, कितना दूध है? ये आज पांच दिन की ब्याई है सुरेंद्र, इसमें दूध है 17 लीटर। अभी 17 किलो दूध है, पांच दिन की ब्याई है। देसी नस्ल की, प्योर देसी दिखाई दे रही है बाबूजी या क्रॉस में है कुछ? ये थारपारकर हरियाणा, दोनों क्रॉस हो सकती है जी। बत्ता है थारपारकर, एचएफ जर्सी वाली तो बात नहीं है बीच में ना? हरियाणा थारपारकर मिक्स पाएगी हरियाणा, ये बच्चा थारपारकर का, प्योर थारपारकर का बीज रखा होगा ना थारपारकर का? बछड़ा है कि बछड़ी? बछड़ा है जी। ठीक है, तो ये कितने रुपए की बेचनी है बाबूजी? इसका मोल तो है 70,000 रुपए, 65,000 की देनी है जी। 65,000 रुपए की बेचनी है। देखिए जी, 20 किलो दूध दे सकती है, साइज बड़ा है और अडर और थनो देख पा रहे हैं आप, साफ सुथरे बिल्कुल। और अच्छा दूध है, मैं कहूंगा 12 किलो दूध की अगर गाय आपको देसी मिल जाती है तो अच्छा ही होता है। और 17, 18, 20 किलो की मिलना तो कोई रेयर चांस ही है। ये दूसरे नंबर वाली साहिवाल, ये कपिला में, अच्छा सरण कपिला में, ठीक है। ये अपने हरियाणा, अच्छा भारतीय मूल की है, ठीक है। लाल है इसमें और नास भी लाल है, इसकी बाफन भी लाल है। रोकना एक बार, कपिला देखिए बिल्कुल लाल जो है, और सीधी भी, नाक भी लाल, सिंगों पे भी लाल निशान, और जो पलके हैं वो भी लाल, खुर भी लाल दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितना दूध है बाबू जी? इसमें खीस खाली अत्यंत 14 लीटर है जी, परसों भी आई थी, 7 लीटर अभी टाइम का ले रही है। 7 लीटर अभी भी टाइम का है। 14 किलो दूध है, कितने की बेचनी है? ये 70,000 देनी है, 65,000 की, 65,000 की देनी है, मोल 70,000। देखिए जी, साफ सुथरी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की कपिला जो है इनको बोला जाता है। तीसरे नंबर पे एक भैंस, आ जाओ आगे आ जाओ। ये कौन से ब्याने वाली है? ये ब्याई हुई है जी, दूसरे ब्याह में ब्याई हुई है आज, ये 5 दिन की है अभी भी, मेरे ख्याल में 13 लीटर दूध देगी। 5 दिन की ब्याई में 13 किलो, कितने की बेचनी है? 18 लीटर प्लस देगी जी, 18 से ऊपर दे देगी। कितने की बेचनी है? 1.5 लाख की इसकी प्राइस जी। 1.25 लाख रुपए की बेचनी है। देखिए जी, और ऐसे बनती है जैसे जर्सी गाय बनती है नीचे से, ठीक है। 5 दिन की ब्याई में 13 किलो दूध है, साफ सुथरी भैंस, बच्चा देखिए बिल्कुल अच्छा, जो नाड़वा है वो आप देख पा रहे हैं लटक रहा है, और अच्छी जो है भैंस है बिल्कुल, ये देखिए। और 4 नंबर पे फिर हम देख पाएंगे एक और जोटी। ये बाबूजी, हाँ ये खासी है सुरेंद्र। अच्छा, ये ब्याई है 6-7, ये तो बिकी हुई है जैसे, इसके नहीं जी, नहीं बांध रखा है, वाली है। अच्छा, बिकने वाली है। कितना दूध दे देगी, कौन से ब्यात में है? 12 लीटर दूध देगी जी, पहला ब्याह होता फर्स्ट, अभी भी 10 लीटर दूध है इसमें। अच्छा, 12 लीटर दूध निकाल देगी। कितने की बेचनी है? ये देनी है 1.5 की, 1,05,000 रुपए की, 1,05,000 रुपए की देनी है। देखिए पहले ब्यात की 12 किलो दूध निकाल देगी, आज भी जो है इसमें 10 किलो दूध मौके पे तैयार है। बाई वगैरह आई हुई है पहले ब्यात की जोटियों में, आई जाती है, थड़ों पर भी है, पांव भी पाती है, ठीक है। और ये आगे वाली है तो बाखड़ी दिखाई दे, बाखड़ी है जी, कुछ अपने ग्राहक जो है ना बाखड़ी मांग रहे हैं, पंजाब वाले तोखड़ बोल रहे हैं, कुछ बाखड़ी मांग रहे हैं। हाँ हाँ, ये 7.5 महीने नहीं प्रेग्नेंट है, दूसरा ब्यात में भी आई। पहले ब्यात में कितना दूध दिया है? पहले ब्यात में इसने 13 लीटर दूध दिया जी। तो कितने की बेचनी है ये?
ये देनी है जी 65,000 रुपए की देनी है, मोल 75-70 कुछ भी करा लो। 65,000 की बेचनी है, पहले ब्यात में 10 किलो दूध और अभी 7 महीने की ग्याबिन, सवा सात महीने की ठीक है, चेक करवा के ली होगी आपने तो। हाँ जी, चेक पास भी अगला लेगा तो भी दे, आज लेगा चेक पास करवा, चेक करवा के देंगे। ठीक है, पास और चेक पास की हमारी जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है ठीक है। और ये कटड़ा, एक ये कटड़ा है, दो दांत है अभी। हाँ हाँ, निकाल लेंगे अभी, दो दांत किए इसने, सर्विस चालू है। ठीक है, ये कि माँ का रिकॉर्ड है इसका 22 लीटर का, और सिमन का इसको भीम को पता है जी, जो से मालिक ने बताया कल अपने फार्म पे आया, 10,577। ठीक है, कितने का बेचना है ये? ये 90,000 का देना है सुरेंद्र, 90,000 रुपए का बेचना, 10,577 फुल हाइट है जी, फुल लंबाई ऊंचाई का, और देखिए सींग बिल्कुल छोटा, दो दांत निकालता हुआ कटड़ा है, शरीफ बहुत है, मेरे ख्याल से नाथ वगैरह भी अभी डाली नहीं है, और 90,000 रुपए का ये कटड़ा आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, दिखाई दिए। ये बुरी, ये भी बेचने वाली है जी, ये 8वें महीने में लगी जी। अच्छा, दूध तो नहीं दे रही होगी फिर? थन पास है अभी, आधा आधा किलो दे रही हो, तो टड़ने का घर पा है, पास करवा देगी, थन पास करवा देगी, बिल्कुल सीधी। 8 महीने की प्रेग्नेंट है, चालू होगी 8वें में अभी, 7 की कंप्लीट हो चुकी, 7 की कंप्लीट हो गई, 8वें में चालू हो रही है। कितना दूध दिया ताजी भाई ने? 16 लीटर दिया जी, दूसरे ब्याह पे तीसरे में आएगी। 16 लीटर बेचनी कितने की है ये? बेचनी जी 70,000 रुपए बेचनी है, 70,000 की। ठीक है, 70,000 रुपए की बेचनी है, और अभी 7 महीने कंप्लीट करके और 8वें महीने में चालू हुई है। बुरी भैंस लेना चाहते हैं आप बाखड़ी, तो संपर्क कर सकते हैं, बहुत से फोन आ रहे हैं जी, बुरी चाहिए, बुरी चाहिए, किसी भाई को चाहिए, ले लेनी है। ठीक है ठीक है। और ये आगे फिर बड़ा बच्चे कौन सी का आ गया ये? अरे भीम की मित्र भी बता भाई, ये कटड़ी है, ये कटड़ी है जी साची। अच्छा, कटड़ी बेचने वाली है, इसकी उम्र है जी। अच्छा, ये कितने की बेचनी है भीम? माँ की 5.5 फुट हाइट थी जी, ये 35,000 देनी है जी, और मिनी है अभी, इसके देख लो। अच्छा, मीनी बनेगी जी, 35,000 की बेचनी है, 10 महीने की, फिक्स प्राइस है इसका ही, 5.5 फुट। अच्छा हाँ जी, ठीक है, कटड़ी भी न्यू लगती है, 1.5 साल की कटड़ी है। ठीक है ठीक है, 35,000 की बेचनी है मीनी। हाँ, ये गुजरात रहेगी, बिकी हुई है गुजरात, कितने की बेचनी बेची है? 1,50,000 की, 1,50,000 की। दूध कितना है? 17 किलो मौके पे तैयार है, 1,50,000 रुपए की मीनी भैंस जाएगी गुजरात। देखिए साफ सुथरी है भैंस, जोशीले अडर वाली, और बिल्कुल जो ओरिजिनल जिसे मीनी कहते हैं वो मीनी है, बिल्कुल छोटे सींग की, और बहुत बढ़िया, जिसके सींग घूम के नीचे चेहरे से नीचे चले जाते हैं वो परेशान करते हैं, उसके कटवाने पड़ते हैं। 17 किलो मौके पर तैयार है। इससे आगे वाली खोल लिया भाई, एक और सुंदर पहले ब्यांत की दिखाई दे रही है, 16 किलो दूध तैयार है, 4 दांत 16 किलो बेची हुई है। हाँ जी, कितने की? 1,35,000 की बेची हुई है। देखिए जी, गुजरात जाएगी जी, गुजरात धर्मकोट, 16 किलो दूध मौके पे तैयार है, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए बिल्कुल शानदार। ऐसी कटड़ी तो सुरेंद्र है, वो 20 लीटर भी देगी। हाँ हाँ, ब्रीड के लिए ऐसी ऐसी कटड़ी थोड़ी, वो बोलते है ना मदरी कोटी की, मोटा ओरिजिनल है ये। नीचे की क्वालिटी बहुत अच्छी है धोटी की, सींग थोड़ा सा अगले साल तक मिलेगा, लेकिन नीचे की तो ऐसी है, एक मिनट रोकना भाई, नीचे की तो ऐसी है जैसे पहलवान चलता है, उस टाइप से पैर जो है खोल के चल रही है धोटी, ये देखिए मुंह से 4 दांत। ये धोटी ये भी बिकी हुई है? हाँ, ये बिकी हुई है सुरेंद्र, ये जाएगी धर्मपुर गुजरात में। ये कितने की बेची है? ये दिए है 2-10 की, 2-10 की, ठीक है। और दूध? दूध खास की 20 लीटर दी है मेरे गांव की। अच्छा, पहले ब्यात में 20 किलो दूध दिया हुआ, दूसरे ब्यात अभी ब्याह हुई है। अच्छा, ब्याह नहीं है, कितने दिन बाकी हैं? एक हफ्ता भी बाकी है, 10 दिन भी ले सकती है ये, 10 दिन तक बाकी हैं, एक हफ्ता बाकी, एक हफ्ते से 10 दिन लेगी, बिल्कुल छोटे सींग की, बहुत बड़े साइज की जोटी है, 2,10,000 रुपए की, 20 किलो दूध जो है पहले ब्यात में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया शानदार जोटी है, ये देखिए नीचे भी बहुत लगी, बहुत बढ़िया, ये देखिए जी बहुत ही शानदार, तो बहुत भरेगी ये। अच्छा, अभी टाइम है इसमें 10 दिन का, अभी बहुत भरेगी। ठीक है, और इससे आगे वाली? अब वो भी गुजरात जाएगी। कितना दूध है? खीस खाली होती है इसमें 12 है। ये कितने की बेची है? 1,35,000। 1,35,000 रुपए की खीस से खाली होके 12 किलो दूध, ये देखिए लंबाई ऊंचाई की अच्छी है और साफ सुथरी जोटी, ये भी जाएगी गुजरात। अच्छी वैसे जो है खरीदी है,
अच्छा 18+। अच्छी वैसे खरीदी है गुजरात वाले भाई ने, और जोटी का चेहरा और सिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, हाइट लंबाई दबंग है। इससे आगे एक और साफ सुथरे अडर की देखिए, बहुत ही बढ़िया जैसे बना के लगा रखे हो थन भी और अडर भी। ये भी बिकी हुई है, ये गुजरात जाएगी, ये तो ब्याने वाली है शायद ना, ये भी ब्याएगी, इसमें हफ्ता बाकी है। अच्छा, दे देगी कितना दूध दे देगी? ये देखो जी, पीछे तो 18 लीटर दिया हुआ है, दूसरे ब्याह पे तीसरे बच्चा देगी, ये तीसरी बार बच्चा देगी। ये देखिए, ब्याने पर 20 भी देगी, 18 प्लस कितना देना है इसको। ये देखिए जी, 18 से ऊपर दूध निकाल देगी, बिल्कुल साफ सुथरी भैंस है, बहुत ही बढ़िया शानदार पशुधन देखने को मिला। और इससे आगे फिर एक कटड़ी, तीन कटड़ी हैं शायद, कुछ प्रेग्नेंट भी होंगी मेरे ख्याल से, तो घरवाली हैं कटड़ियां शायद, घरवाली है सुरेंद्र, एक ये अभी ढाई महीने की प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा, ये बेचने वाली है, ये हमने ली थी, ये इसमें कुछ फ्रॉड हो गई थी। हाँ हाँ, अभी ढाई महीने की प्रेग्नेंट चेक पास हो गई है। ये कितने की बेचनी है? 19 लीटर दूध खारकी में दिया इसने। अच्छा, दूध मिल्किंग करवा के देंगे आपके चैनल से, दूध नपवा के देंगे। अच्छा, 19 किलो पहले ब्यात में दिया था, फिर रिपीटर होगी, फिर अभी प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, इसको अच्छे से कटने के लिए बताया है, इसलिए इसको रखी है। ठीक है ठीक है, 1.5 किलो घी भी इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो कहने का मतलब एक जिस टाइम पेटा भरेगा, जिस टाइम आपकी लाइव मिल्किंग चलेंगी इसकी, जब दूध 22 दे या 25 दे वो इसका मर्जी आगे। ठीक है ठीक है, 19 किलो पहले ब्यात में दिया। भीम भाई तेरी कटड़ियां तो अच्छी निकल रही है, एक तो ये तो ये इसका टिकर रखवा रखे जी, एचएसबी सिमन का उनका दोनों का। अच्छा, नवाब का जी इसको, इसको नवाब का, ठीक है, शरीफ है कटड़ी नवाब की तरह। नीचे की भी ठीक बढ़नी चालू हो रही है, जल्दी निकल गया टाइम ना। देखते देखते जैसे लग रहा है जैसे 2 महीने पहले सीमन लेके आए थे आप, खुद लेके आके। 8 तारीख को 9 महीने की प्रेग्नेंट होगी पूरी। ठीक है ठीक है, देखिए जी बहुत अच्छी बनेगी कटड़ी, नीचे से थनों का गैप वगैरह काफी अच्छा है, फिट बाय फिट पर लग रही है जी बीबी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत है पूरा कटड़ी आएगी, देख लेना, नवाब की कटड़ियां ज्यादा आ रही हैं। कटड़ियां ये जिसको घर ही रखना है, सेल तो करना नहीं, करना आएगा तो ये भी इसकी बहन है ना शायद? ये इसकी नहीं, मौसी की लड़की है, ये बहन है, सगी नहीं है। अच्छा, ये एक अच्छी था, ये दोनों बगैर। हाँ 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 हाँ, इसका 24 किलो दूध का, उसका 20 किलो दूध। ये कौन से बुल से है क्या बिन? ये बेताब, बेताब से। ठीक है, इसका साइज बड़ा लेके आए। ठीक है ठीक है, ये भी नीचे की तो अच्छी बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, हाइट भी बहुत है इसकी सुरेंद्र। लंबाई हाइट बहुत ज्यादा है, लंबाई चाहिए अच्छी। घर रखनी है इनका, दूध करवाएंगे, देखें कितना दूध देगी। ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हैं, ये तीनों दूध रिकॉर्ड करवाना कितना कितना है जी। ठीक है, इसलिए रखी हुई है, 10 दो 12 दो 20 दो। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। लगभग 13-14 मिनट का हो चुका है वीडियो, और ये वीडियो लेके आया आप भाविका डेयरी फार्म से। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।